व्हाट्सअप गाइज वेलकम बैक इन अंदर वीडियो, आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक इटली की छोटी सी अपडेट देने वाला हूँ जो कि रिसेंटली अभी पोस्ट करी गई है VFS या इटली इमिग्रेशन की तरफ से। आप लोग बोल सकते हो इस चीज़ को, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे इन लोगों ने ये बोला कि 9 से लेकर 12 जुलाई तक हमारा जो साइट है वो मेंटेनेंस पे रहेगा, क्योंकि हम जो वो सिस्टम को थोड़ा अपग्रेड कर रहे हैं, उसके अंदर कोई नया फीचर वगैरह डाल रहे होंगे या कुछ और चीज़ें ऐड कर रहे होंगे। अपग्रेड किस चीज़ को कर रहे हैं, जो कि अपॉइंटमेंट के लिए था ना, अपॉइंटमेंट का जो नया सिस्टम चालू किया गया था ना, जिसके अंदर पहले आपको डॉक्यूमेंट VFS को या एम्बेसी को भेजने, फिर वो वेरीफाई करके फिर आपको अपॉइंटमेंट देगा, वो उस चीज़ को ही थोड़ा अपग्रेड कर रहे हैं। उसके अंदर कुछ नई चीज़ ऐड कर रहे होंगे या कुछ उसके अंदर बग्स वगैरह थे या फिर कुछ और दिक्कत थी, तो उसको वो सही कर रहे होंगे, इसलिए जो साइट है वो मेंटेनेंस पे चली गई है। और लोग ये भी बोल रहे हैं कि नई अपॉइंटमेंट जो है वो बुक नहीं होगी। बुक कैसे होगी भाई, क्योंकि जो लास्ट अपॉइंटमेंट खुली थी वो 15 जून के आसपास खुली थी, उसके बाद जो अपॉइंटमेंट है वो दोबारा नहीं खुली आज तक, लगभग 20-25 दिन आप लोग लगा सकते हो कि इतने दिन हो चुके हैं। और जहाँ तक मुझे आइडिया है कि 12 जुलाई के बाद जैसे ही सिस्टम सही होता है तो उसके बाद अपॉइंटमेंट जरूर खुलेगी। तो अगर आप लोगों ने बुक कर लिया तो अच्छी बात है, अगर नहीं करिए तो आप लोग इस टाइम पे बुक कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ आता कि किस तरीके से बुक करनी है नए सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो उसके लिए आप मेरे को इंस्टाग्राम पे आके पूछ लेना, कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, तो मैं आप लोगों की जितनी हो सकती है वो जरूर हेल्प कर दूंगा। और उसके लिए थोड़ा सा वही है कि कुछ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वैसे तो जितना होगा मैं आपको गाइड कर दूंगा उसके अकॉर्डिंग। और बाकी रही बात जिन लोगों ने ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है, जिनका रेफरेंस नंबर आ चुका है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनका नुल्ला ओस्ता एक्सपायर हो रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपकी फाइल सबमिट होगी और आपको अपॉइंटमेंट है वो भी जल्दी मिलेगी। क्योंकि जो पीछे मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने देखा है, मैंने भी बहुत सारे लोगों की अप्लाई करी है, तो उसके अंदर क्या है कि एम्बेसी जो है वो अप्लाई करने के बाद 20-25 दिन ले रही है आप लोगों को अपॉइंटमेंट देने में, या जो भी डिसीजन है, अपॉइंटमेंट मिलेगी या फिर आपके डॉक्यूमेंट रिजेक्शन होंगे या फिर आपके डॉक्यूमेंट जेन्युइन फेक है, वो आपको जो मैसेज होता है वो उसी तरीके से आप लोगों को मिल जाएगा। तो यही थी बस मोटा मोटी अपडेट। अभी आप इस टाइम पे बुक नहीं कर सकते, बुक कैसे करेंगे भाई, क्योंकि साइट ही नहीं खुल रही। तो जैसे ही ये 12 तारीख को इनका जो मेंटेनेंस है वो क्लियर होगा, साइट के अंदर जो भी अपग्रेडेशन करनी है वो कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आई होप कि 13-14-15 तक जो है अपॉइंटमेंट वो जरूर खुलेगा, जो नया वाला सिस्टम होता है ना बुकिंग अपॉइंटमेंट वाला, वो तरीके से खुलेगा। तो आप लोगों को समझ आती है तो खुद से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, तो उसके लिए आप मेरे को हेल्प ले सकते हो अगर नहीं समझ आ रही तो। तो बाकी इस वीडियो बनाने का मकसद यही था, और बाकी कोई नई अपडेट वगैरह नहीं है नुल्ला ओस्ता के बारे में कि 2023 वाले 24 वाले भाई नुल्ला ओस्ता देखो, मेरे को अभी कोई आइडिया नहीं है। इक्का दुक्का लोगों के मैसेज आते हैं किसी के, भाई यहाँ से मेरा निकला नहीं निकला, तो वो आप लोगों को मैं कमेंट में कोई लोग पूछता है तो मैं उसको बता देता हूँ। और उसके बाद रही बात जो जिन लोगों को रेफरेंस नंबर मिल चुका है, जिन लोगों ने पहले अप्लाई किया था और जिन उनका कितना रेफरेंस नंबर है और उनको अपॉइंटमेंट मिली है कि नहीं मिली है, वो कृपया करके कमेंट में जरूर बता दे, क्योंकि जो और लोग इस वीडियो को देख पा रहे हैं उनका रेफरेंस नंबर क्या है, आपका रेफरेंस नंबर क्या, आपको मिली है उनको नहीं मिली है, उस तरीके से वो अपनी अपॉइंटमेंट का आइडिया लगा सकते हैं। तो इससे आप लोगों की ज़्यादा हेल्प होती है, क्योंकि मैं हर चीज़ को मैं नहीं बता सकता आप लोगों, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कम लोगों के मैसेज आते हैं, कभी ज़्यादा लोगों के भी आते हैं, तो उसके अंदर सारी चीज़ वो क्लियर नहीं हो पाती। इसलिए आप लोग जितने ज़्यादा कमेंट करोगे और रेफरेंस नंबर बताओगे और अपॉइंटमेंट मिली है कि नहीं मिली वो बताओगे, तो और जो लोग देख पा रहे हैं उनको ज़्यादा हेल्प होगी उस चीज़ से। तो होप करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और फिर भी कोई दिक्कत डाउट आपको, चाहे इटली की वो अपॉइंटमेंट को लेके है, पोलैंड की अपॉइंटमेंट को लेके है, फिर आपको इटली की फाइल किस तरीके से तैयार करनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो उसके लिए आप लोग मेरे को पीछे मैंने वीडियोज डाल रखी है वो भी जाके देख सकते हो, नहीं तो इंस्टाग्राम पे आके DM करके पूछ सकते हो। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।